दोस्तों, पायल घोष एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। वह मिस्टर रास्कल जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साफ पहरी नामक एक ब्रिटिश टीवी फिल्म के माध्यम से की थी। पायल घोष का जन्म 13 नवंबर 1989 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती है। उनका बचपन से ही अभिनय करने का सपना था, लेकिन उनके परिवार इसके खिलाफ थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के सेंट पॉल मिशन स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स में आगे की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान करियर बनाने के लिए वह मुंबई चली गई। पायल ने अपनी करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में बीबीसी की टेलीफिल्म साफ पेरिल से की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गाँव की लड़की की भूमिका निभाई, जिसके पिता बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी में थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने की ठान ली थी। पायल का परिवार उसे अभिनय क्षेत्र में नहीं भेजना चाहता था। वो कॉलेज के दिनों में घर से भागकर मुंबई गई थी। उन्होंने नमित किशोर के अभिनय स्कूल में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। इस दौरान वह निर्देशक चंद्रशेखर एलटी से मिली और उन्होंने अपनी फिल्म प्रियम में काम करने का मौका दिया। उन्हें उसे मांचू मंच के साथ देखा गया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने वर्षादार, मिस्टर रास्कल और थेरोडम विद्योइल जैसी कई फिल्म की काम करने का मौका भी मिला इन्हें आगे। 2017 में पायल ने पटेल की पंजाबी शादी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, जिसमें वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में थी। दोस्तों, फिलहाल पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यह मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पायल ने अनुराग कश्यप को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा है, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध किए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि देश को पता चले कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे।